कर दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबीन 24 न्यूज़। आपको बता दें, इस समय हम कैथल रोड के पास जो नहर है उसके बिल्कुल पीछे खेत पड़ते हैं और वहीं पर हम मौजूद हैं। और यहां पर बताया जा रहा है कि कोई बुज़ुर्ग है, उनकी जो है यहां पर बॉडी मिली है। एक बार जानने का प्रयास जो है करते हैं कि आखिर कैसे जो है ये बॉडी मिली है। यहां पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, कुछ लोग भी मौजूद हैं कि आखिर कैसे जो है ये बॉडी मिली है। भैया, किसको जानकारी है इसके बारे में? यहाँ पर जो है फिलहाल आपको बता दें, जो इस समय हम कैथल रोड की नहर के पीछे ही खेत पड़ते हैं और वहीं पर हम मौजूद हैं इस समय। एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो बॉडी है किसकी मिली है, एक बार जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि जो बॉडी है सर किसकी मिली है, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। मेरी मम्मी है जी। आज 14 दिन हो गए गैप हो रही थी घर से जी। 21 तारीख को मैं 1 बजे रोटी दे गया अपनी मम्मी को, उसके बाद नहीं मेरे को, रात 9 बजे आया। मेरी दुकान है डायरी शिव कॉलोनी में, पता नहीं लगा जी। उसके बाद मेरे को, मैं ढूंढता फिरा रात को भी 2-3 बजे तक, उस दिन का मैं ढूंढने लग रहा, कहीं नहीं मिली। रामनगर चौकी में मैं दरखास्त दे के आया। कितने दिन हो गए लगभग? ये हो गए हैं जी, 21 तारीख की खोई हुई है, 14 दिन हो गए हैं। 14 दिन हो गए। हाँ जी, रिपोर्ट भी लिखवाई। हाँ जी। क्या नाम है आपकी मम्मी का, क्या नाम था? मेरी मम्मी का नाम करमजीत कौर था जी। करमजीत कौर। हाँ जी। कितनी उम्र उनकी? उम्र 45-46 साल है जी। 45-46 साल है। तो अब कहाँ पर मिले हैं आपको ये जी? यहाँ मिले हैं जी मेरे को तो किसी ने, अब मैंने तो फोन में देखा था जी, खबर आ रही थी जब देखी है जी। तो कैसे, कुछ पता चल पाया कि कैसे जो है उनकी जो है डेथ हुई है, कैसे? अभी तो नहीं जी पता, किसी पे शक है मेरे को, बस शक है। हाँ जी, वो मेरे घर पे आता होता था जब मैं घर नहीं होता होता था जी। किस पे शक है? वो मेरी दादी का भाई था जी, वो पीछे से घर में, मैंने कितनी बार कहा तू मेरे घर में क्या लेने आता है, वो क्या लेने आता था जी। मेरी मम्मी तो थोड़ी दिमाग से वो थी, अब ऐसे तो घर से कभी जाती भी नहीं थी जी उठ के। कब से लापता थी आपकी मदर? 21 तारीख से जी। तो शिकायत दी हुई थी जी? हाँ जी। क्या नाम है? करमजीत कौर जी। कहाँ मिली है बॉडी? ये यहाँ नहर पे मिली है जी। आपका नाम? गुरताज सिंह जी। कहाँ रहते हैं आप? गुरु नानकपुरा कॉलोनी में जी। इसी कॉलोनी गुरु नानकपुरा? हाँ जी। तो यहाँ पर एक बार बात करने का प्रयास करेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि आखिर सर एक बार जानना चाहेंगे कि क्या है, जानकारी मिली थी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारे को जानकारी मिली थी कि अपना गुरु नानकपुरा से आगे नहर की पछड़ी के साथ एक नाम पता ना मालूम लेडीज की एक लाश गड़ी सड़ी हालत में मिली है। हम मौका पर पहुँचे हैं, FSLT हमारी है, और उसके बाद कुछ देर बाद इसकी शनाख्त हुई है। एक लड़के ने शनाख्त करी है, गुरताज सिंह के नाम के लड़के ने, जो गुरु नानकपुरा का रहने वाला है। वो कहता है कि इसकी ये मदर है, इसका नाम करमजीत कौर है, और इसने 21 तारीख 21-4 को FIR लॉज कराई हुई है इसकी गुमशुदगी के बारे में। ये ऐसा चौराम नगर आ रहे हैं, वो आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या मैटर है। सर, जैसे आपने बताया गली सड़ी हालत में मिली है, तो यानी कैसे गली सड़ी हालत में कैसे मिली, बता रहे 15 दिन हुए हैं? इन्वेस्टिगेशन करेंगे जी कि कैसे। कोई अभी कुछ, कोई सुराग भी, कोई आसपास कुछ मिला है कुछ ऐसा? नहीं, अभी कोई सुराग नहीं पता चला, कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर जो है इनके परिवार में इनका जो बेटा है हमारे साथ में मौजूद है और बता रहा है कि 15 दिन से उनकी जो माँ है वो लापता थी। रिपोर्ट भी लिखवाई थी रामनगर में, गुरु नानकपुरा कॉलोनी की जो है साथ में ही पड़ती है, वहीं का रहने वाले हैं ये। और अब जो 45 वर्ष जो है इनकी उम्र थी, और अब जो है यहाँ पर बता दें नहर किनारे पीछे ही खेत पड़ते हैं और वहीं पर जो है कैथल रोड के पास जो नहर किनारे पीछे खेत पड़ते हैं वहीं पर जो है उनकी बॉडी मिलती है, उनके घर में पता चलता है। और अब फिर उनका बेटा आया है, लेकिन कैसे हुई है उनकी मौत इसकी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि जो बॉडी है थोड़ी गली सड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई सुराग भी उनको फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन एक बार और बात करने का प्रयास करेंगे कि कहीं क्या किसी पर शक था या क्या। शक आप किस पर जता रहे हैं, किस पर शक जता रहे हैं आप? जी यही रहता है, ये एक जना, उसको मैंने कहा था मेरे घर ना आया कर तू, जब मैं नहीं होता, जब मेरे से बात करनी है जो मेरे से करना, तो कि घर क्या लेने आता तू? क्यों आता था घर, क्यों आता था? ये मेरे को क्या पता जी क्यों आता था, मेरी दादी का भाई था जी वो, मेरी दादी को गुजरे 5 साल हो गए। अब रिश्तेदारी में चलो आ जाता तो कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाता था, मेरी मम्मी कल्ली होती थी घर, क्या लेने आता था? परिवार में और कौन कौन है? कोई नहीं जी, मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरे ताऊ चाचे हैं बस, और कोई नहीं। ताए चाचे? और आप, आपकी मदर साथ? हाँ जी, मेरी मदर मेरे पास रहती थी जी, दिमाग से थोड़ी सी वो थी जी, इसकी दवाई कुल रूप से परेशान थे। हाँ जी, कुल 76 से दवाई चल रही थी जी इसकी। अब ऐसे तो उठ के ये आई नहीं है जी घर से, कोई ले आया जब ही तो आई है यहाँ।
क्या नाम बताया अपनी मम्मी का? करमजीत कौर जी। तो आपको कैसे पता लगा जी यहाँ पे? जी मेरे को तो यहाँ मैंने फोन में इनकी सर की देखी वीडियो कि यहाँ से लाश मिली है गुरु नानकपुर। मैंने बहुत दिन हो गए टोन लग रहा, मैंने तो पानीपत ये कुल क्षेत्र ये सारा एरिया पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा लिया जी। गली सड़ी हालत में मिली है? हाँ जी हाँ जी। तो मैंने तो सूट पहचाना जी मेरी मम्मी का और मेरे बाल जो थे मेरी मम्मी से पहचान हो रही है। हाँ जी हाँ जी मेरी मम्मी है जी ये जुत्ती परिवर्तन है। हाँ मेरी मम्मी है। किसी जानवर ने तो नहीं खाया कुछ ऐसा तो नहीं? कुछ ऐसा लगा नहीं जी। जानवर जानवर यहाँ कौन सा जानवर है जी? कुत्ते खींच के लाया इसके अंदर पड़ी थी। क्या कह रहे जी? कुत्ते खींच के लाया सवेरे हम घूमने आए ना। अच्छा, हाँ कुत्तों ने खींची है? हाँ जी हाँ जी। मैंने 100 नंबर पे फोन किया था। अच्छा आपने फोन? हाँ जी हाँ जी मैंने फोन किया था। मैंने मीडिया वाले फोन किया था। मेरा नाम सर सन्नी है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी गुरु नानकपुरा में रहते हैं। इस भाई ने रिपोर्ट लिखवाई थी तो सर ये उधर रहता है। ठीक है ये कॉलोनी वालों को किसी को क्या पता, इसने तो उधर रिपोर्ट लगा रही ना किसी को बताया इसने। तो सर आज पता लगा भाई यहाँ पे लेडीज की लाश पड़ी है तो मैंने 100 नंबर पर फोन करके यहाँ पे बुलाया। मगर सर कम से कम किसी की तो होगी पाएगी तो मीडिया वाले की उससे पा जाएगी। तो इससे पहले क्या लग रहा है कि कहाँ थी वो बॉडी? कहाँ पर थी बॉडी? सर अंदर बिल्कुल अंदर पड़ी हुई थी वो बॉडी। एक बार वो जगह देख दिखा जो है एक बार देखना चाहेंगे कि जहाँ पर बॉडी, क्या अभी भी बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पे? बॉडी है। तो आपको एक बार तस्वीरें जो हैं नहीं दिखाना चाहेंगे क्योंकि जो है आप विचलित जो है हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि लाश जो है इस समय पड़ी हुई है। तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, विचलित हो सकते हैं अभी भी। इसके दो कुत्ते लगे हुए थे। इसकी बाजू है ना देखो खा रखी है, इसको बाजू को खींच के मतलब इधर ले आए बॉडी को खींच के क्योंकि नहर किनारे बहुत सारे कुत्ते भी होते हैं। हाँ जी। तो सर देखो यहाँ पे सारे जो गुरु नानकपुरा के मतलब जो भी हैं सारे डरते हैं भाई का क्या पता प्रशासन हमारे को फंसा दे। ठीक है और डरते भी हैं सर। मेरे पे दो तीन केस हो रहे हैं मतलब ऐसे ही। ठीक है फिर भी मैं फ़ोन कर देता हूँ, चल यार किसी का तो भला होगा बेचारे का। चलो अब ये आपकी मदद से ही पा गई है। ठीक है मीडिया वाले ने न्यूज़ ने घेरिया जब बेचारे को लड़के को पता चल गया। जी जी जी। हाँ नहीं तो किसी को क्या पता चला था। तो मदद सर करनी चाहिए मैं कहूँ, किसी से नहीं डरना चाहिए। भगवान देखेगा जो कुछ होएगा ऊपर लड़के। जानते हैं इनके परिवार को? जानते हैं वैसे आप? हाँ जी सर हम जानते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को सर 15 साल हो गए। परिवार को भी कितनी इनके परिवार को? हाँ इनके परिवार को जानते हैं सर। मैं बिजली काम करता हूँ कभी कभी जाता हूँ। इनका घर है ना लास्ट में परली गली में जाके और हम सर इधर रहते हैं। हमारे को तो पता नहीं था लेडीज घूम हो रही अपनी कॉलोनी की, नहीं तो हम तो सीधे इसके घर ही चले जाते। तो यहाँ पर फिलहाल जो है बात करने का प्रयास जो है करेंगे आखिर क्या ये भी इनके परिवार से हैं। एक महिला बैठी हुई हैं। आप भी इनके फैमिली से ही हैं आप? नहीं जी पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं आप? तो क्या कुछ मतलब पहले मिलते थे इनसे, इनकी जो मम्मी है उनसे कभी बात? हाँ दीदी के लिए होती थी हमारे पास ही रह कर रहती सर पड़ोस में। कोई परेशान थे कुछ ऐसा कुछ कभी कुछ ना? नहीं ऐसा कोई परेशान नहीं थे सर। दिमाग तो थोड़ी सी कमी थी ले दवाई चल रही थी। दिमागी तौर पर वैसे रहते थे? हाँ। बातचीत करते थे आपसे? हाँ करते थे। उठ नहीं सके थे फिर या खाट में? उठ नहीं सकते थे खाट से? बाथरूम में लाइटनिंग करे थी गली साथ में पड़ जाती थी। चलने में दिक्कत थी? हाँ चल तो सके नहीं थी बाहर निकल कर चल नहीं पाते थे। वैसे बातचीत कर लेते थे? हाँ बातचीत कर करे थे। तो यहाँ पर जो है फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिर जो है किस तरीके से। आपको बता दें जो बॉडी है आपको तस्वीरों में नहीं दिखाएंगे लेकिन एक बार आपको उसके हालात ज़रूर बता देते हैं कि आखिर बॉडी जो है वो इस समय किन हालातों में है। तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी हालत जो है बॉडी की लग रही है। पूरी बॉडी जो है गली सड़ी बिल्कुल जो है पड़ी है इस समय और हाथ भी यहाँ पर जो हाथ है जो बायां हाथ है वो हाथ ही नहीं है और ऐसे मतलब जो ऐसा लग रहा है किसी जानवर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं जो है इन पे किया है। और पूरी बॉडी जो है बहुत ही गली सड़ी हालत और जो है आपको इसके पूरी
जो है मतलब जो ब्यौरा बताना भी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही पता लग जाएगा कि आखिर कैसे जो है इनकी जो है मौत हुई है और कौन इसका ज़िम्मेदार है। फिलहाल आपसे ये कहना चाहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर करें, और इस समय हम मौजूद हैं कैथल रोड के पास, जो नहर है उसके बिल्कुल पीछे खेत पड़ते हैं गुरु नानकपुरा कॉलोनी के पास, और लोगों से प्लीज़ खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे आई बिन 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।